बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास नई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4। इसका पहला सवाल है हमारे पास 3/12 की होल पावर 6। ठीक है जी, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 3/12 की होल पावर 6। अब ये 6 3 पर भी अप्लाई होगा, इसी 6 12 पर भी अप्लाई होगा। 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 6, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है L/M की होल पावर -3। अब -3 इन पर अप्लाई हम इस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम इस माइनस साइन को ख़त्म ना कर लें। माइनस साइन ख़त्म करने के लिए हमें एक चेंजिंग करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर आएगा। किस इस तरह, अब जैसे कि ये n है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि d, बस इस डिनोमिनेटर के ऊपर -3 पावर हमारे पास। इस साइन माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना पड़ेगा और न्यूमिनेटर को हमें नीचे लेकर आना पड़ेगा। इनकी साइड चेंज करनी, यानी इनको हमें इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम m को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे और l को नीचे लेकर आ जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारी पावर माइनस साइन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अभी 3 जो है m पर अप्लाई कर देंगे, m की पावर 3 और l की पावर 3, ये हमारा आंसर होंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B की होल पावर 6। ये सिंपल ही फर्दर सॉल्व करेंगे, a की पावर 6/B की पावर 6, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -30x^10y^8 डिवाइडेड बाय -5x^3y^2, इन सब की होल पावर स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है जी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास, हम क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 5 × 5 = 5, 5 × 6 = 30, ये 6 आ जाएगा। x^10 y^8 डिवाइडेड बाय 1 हम लिखते नहीं हैं, x^3 और y^2, इन सब की होल पावर 2। ठीक है जी, अब हमारे पास डिवीजन में बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी पावर ऊपर जाके माइनस में चली जाएगी। तो x^10 - 3 × y^8 और ये पावर ऊपर जाके माइनस में चली जाएगी, ये 2 हो जाएगी, इन सब की होल पावर 2 हो जाएगी। 6x 10 में से 3 माइनस गए, 3 माइनस करेंगे 7 पावर हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय इसी तरीके से y^8 - 2 है, तो 8 - 2 करने के हमारे पास 6 हो जाएगी, इन सब की होल पावर 2 हो जाएगी। अब ये पावर सब पर अप्लाई कर देंगे, 6^2 x^7 × 2 और y^6 × 2, इसी तरह 6^36 हो जाएगी हमारे पास, और 7 × 14 x^14 = 6 × 12 और ये y^12 जाएगी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8a²b / 3cd और इन सब की होल पावर -2 है। अभी माइनस एन ख़त्म करनी, जिस तरह हमने पहला सवाल करता है L/M वाला, इसी तरीके से को करेंगे, न्यूमिनेटर को चेंज करें डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर चेंज करेंगे न्यूमिनेटर के अंदर। तो 8a²(b/3cd) इन सब की होल पावर -2, चेंज इंटरचेंज कर देंगे दोनों चीज़ों को, 3cd ऊपर आ जाएगा और 8a²b नीचे आ जाएगा, माइनस साइन हमारे ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी तो होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, अब स्क्वायर इन पावर अप्लाई कर देंगे, 3^2 c^2 और d^2 डिवाइडेड बाय 8^2 a^2 ऑलरेडी और स्क्वायर, तो एक और स्क्वायर लगा देंगे, b^2 पर कुछ नहीं है तो उसका हम स्क्वायर लगा देंगे, 3^2, यानी कि 3 को 2 मरदा मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 = 9, c²(d²) 8 का स्क्वायर यानी 64, 8 × 8 = 64 आ जाएगा, और a²(2×2) = 4 और b^2, ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास आज की एसएस कंप्लीट होती है 2.4। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इसमें कन्फ्यूजन है, और जिन स्टूडेंट्स से मेरा
चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ वो स्टूडेंट जैसे जैसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके मुझे बताएं कि सवाल किसका समझ में आया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।